हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन हेयर केयर रेमेडी लेकर के आई हूँ, जिससे आपके बाल बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, सिल्की, शाइनी, बिल्कुल मेरे बालों की तरह होंगे। दोस्तों, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है और बहुत ही ईजी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बिना किसी झूठ किए आप इसको ट्राई कीजिए। कुछ दिन में आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मेरे ओरिजिनल बाल है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप फेक बाल लगाए रहती हो, ऐसा नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल बाल है और बिल्कुल ऐसे ही बाल आपके भी होंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको लेंदी वीडियो पसंद नहीं आता है तो सेम वीडियो को मैं शॉर्ट्स वीडियो बना करके भी डालती हूँ, जो कि आपको शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिलेगा। उसके साथ साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी शॉर्ट्स वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेस्ट हेयर रेमेडी, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली सामग्री मैं ले रही हूँ यहाँ पे चाय का पत्ती। दोस्तों, चाय का पत्ती अक्सर सबके घर में होता है, क्योंकि आज की डेट में हर लोग चाय पीते हैं और चाय का पत्ती ज़रूर रखते हैं। दोस्तों, चाय के पत्ती के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, ये सभी लोगों को नहीं पता होता है। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है, हमारे बालों को बहुत ही बेहतर कलर ऐड करता है, हमारे बालों को बिल्कुल खूबसूरत शाइनी बनाता है। दोस्तों, बिल्कुल पार्लर जैसा जो कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है ना, वैसा होता है। उसके साथ साथ ही हमारे बालों में खोई हुई चमक लेके आता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और अगर उसके साथ साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, सफ़ेद बालों को भी ये बहुत ही जल्दी कवर करता है। दोस्तों, बेस्ट होता है चाय का पत्ती हमारे बालों के लिए, इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इसको यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स? इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आपको ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच चाय का पत्ती, और फिर उसमें 1 ग्लास पानी डाल दीजिए। और इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको अच्छे से खौलाना है, जिस तरीके से आप चाय पत्ती का डाल करके चाय बनाते हैं, खौलाते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से आपको इसको अच्छे से खौलाना है, कम से कम 8 से 10 मिनट तक। कुछ देर के बाद देखिएगा कि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसके जो पानी की कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए आपको 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से खौलाना चाहिए। खौलाने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसको एक बर्तन में छान लेना है। छानने के बाद आप देखिएगा कि पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म पानी तो आप अपने बालों पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको इस पानी को ठंडा कर लेना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं एलोवेरा जेल। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरीके का क्लियर और ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल मिले तो बेस्ट होता है हमारे स्किन के लिए भी और हमारे बालों के लिए भी। और अगर ये नहीं है तो फ्रेश एलोवेरा जेल जो होता है ना, पौधे वाला, उसका भी जेल निकाल के आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो है मार्केट वाला एलोवेरा जेल ऐड करूँगी, जो कि हमारे बालों को नरिश करता है, मुलायम करता है, और उसके साथ साथ ही हमारे बालों में खोई हुई चमक रहता है उसको कैद करता है, यानी बालों में पकड़ के रखता है वो, और बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों आप अपना फेवरेट शैम्पू, जो भी आप शैम्पू ऐड कर सकते हैं वो ऐड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू यूज़ ना करें, जितना आपके बालों के क्वांटिटी के हिसाब से, जितने आपके बालों की लेंथ है उसी हिसाब से आपको शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से बाल डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए आप इस तरीके का पाउच वाला मिले तो वो ज़्यादा भी अच्छा होता है। इसमें क्वांटिटी पता होता है कि कितना यूज़ करना हमें एक टाइम के लिए। मैं यहाँ पर 1 जो है पाउच ले करके और फिर इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स भी हो जाता है, क्योंकि हल्का गुनगुना पानी रहता है तो डाइल्यूट करके भी कोई भी शैम्पू यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया हैक्स होता है, डायरेक्ट बालों में अप्लाई ना करके इसको किसी भी पानी में, इस तरीके का पानी बना करके उसमें आप शैम्पू को डाइल्यूट कीजिए, कोई भी शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं। फिर उसी से क्या करना है दोस्तों, अपने बालों को वॉश करना है, ये देखिए इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पे मैं तो अभी वीडियो बनाने के लिए कैमरे के सामने खड़ी हूँ। नॉर्मली जैसे भी आप अपने बालों पर शैम्पू करते हैं बाथरूम में, वैसे ही शैम्पू करें। और क्योंकि समटाइम्स हम क्या करते हैं, बाथरूम में कैमरा ले जाना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपल सामने आपको दिखा रही हूँ कि इसको आपको शैम्पू करना है इस तरीके से। और दोस्तों, शैम्पू करने के लिए आपको बालों के जो स्कैल्प होते हैं उसको भी थोड़ा सा आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए। बहुत ही जल्दी शैम्पू लगा के जल्दी जल्दी धो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इतना मेहनत आप जो किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो हल्के हल्के हाथों से आपको बालों को अच्छे से मसाज करते हुए जो है शैम्पू को रब करना है, और शैम्पू को तुरंत ही नहीं धोना है। ऐसा नहीं कि शैम्पू आपने लगा लिया और फिर तुरंत ही उसको धो लिया, नहीं दोस्तों, शैम्पू लगाने के बाद आपको अपने बालों पे इसको ज़रूर रखना चाहिए,
इस तरीके से मसाज करने के बाद कम से कम 8 से 10 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने दें, और तब तक आप कोई भी काम कर सकते हैं, और फिर उसका नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए दोस्तों। बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी, खूबसूरत, लंबा, काला घना हो जाएगा कि आपको सच में यकीन नहीं होगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। ट्राई ज़रूर करिएगा, बाल बहुत ही चमकदार, सिल्की शाइनी हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे बालों की तरह। ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शॉर्ट्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।